अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कढ़ी पकौड़ा। देखिए कितनी अच्छी बनी है, कितनी अच्छी रंगत है इसकी। बनाने में भी बेहद आसान है और देखने में भी, खाने में तो कुछ कहने ही नहीं के स्वाद कैसा है इसका, बनाएंगे तो पता चलेगा। चलिए एक कुकर ले लेते हैं। इसमें हमने आधा किलो दही है, इसको चला लिया है मिक्सी में और अब डाल देंगे। इसको चलाने से इसमें एक भी लम्ब नहीं रहता। लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट है ये 4 चम्मच, इसको भी डाल देंगे। अब इसमें हम बेसन में पानी मिलाकर थोड़ा सा इसको भी चला लिया है, ये भी डाल देंगे। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। देखिए 1 चम्मच धनिया, आधी चम्मच मिर्च और आधी ही चम्मच हल्दी। हल्दी थोड़ी ज्यादा लेंगे और 1 चम्मच नमक। नमक और मिर्च हम बाद में भी डाल सकते हैं चेक करने के बाद, अगर कम होगा तो बाद में डालेंगे। और जिस जार में हमने ये सब चलाया था उसी में पानी मिलाकर डालेंगे। पानी भी अगर कम लगेगा तो हम बाद में और डालेंगे। अभी इसको चलाकर देखते हैं। देखिए इसमें एक भी लम्ब नहीं है क्योंकि हमने मिक्सी में चला लिया था, इसलिए अब इसे पकने रखते हैं। जब तक इसमें एक उबाल ना आए, फ्लेम को हाई करके इसको पकाना है और इसको चलाते रहना है लगातार। और जैसे ही उबाल आ जाए फिर हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसको धीरे धीरे पकने के लिए छोड़ देंगे। आधे से एक घंटा लगेगा इसे पकने में। चलिए जब तक हम अपना पकौड़ी का सामान तैयार करते हैं। हमने बेसन ले लिया है, ये 150 ग्राम बेसन है। इसमें हमने मिर्ची डाली है आधी चम्मच, नमक, कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी और 2 चुटकी खाने का सोडा ले लिया है। इससे पकौड़ियाँ बहुत अच्छी फूलेंगी। इसको हमने चम्मच से अच्छे से फेंट लिया है, ये देखिए इसके अंदर एक भी लम्ब नहीं है। अब इसको हम सेकते हैं, तेल गर्म हो गया है, इसको हम हाथ से ही डालेंगे। और देखिए कितनी अच्छी तरह से ये पकौड़ियाँ बन रही हैं और बहुत अच्छी फूलेंगी। देखिए पकौड़ी हमारी पककर तैयार हो गई हैं, बहुत अच्छी बनी है ये। देखने में कितनी फूली फूली, बहुत फ्लिपी बनी है ये। पकौड़ियाँ रेडी हैं और इधर ये देखिए हमारी कढ़ी भी रेडी है, ये बनकर तैयार हो गई है। इसको इतनी गाढ़ी रखेंगे क्योंकि ठंडी होने के बाद ये और भी गाढ़ी हो जाती है। ये देखिए 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा, 4 से 5 लाल मिर्च और 2 चुटकी हींग है। इसे हम तड़का लगाएंगे। तेल गरम कर लिया है, अब ये सारी चीज में एक साथ डाल देंगे और थोड़ी देर पकने देंगे। हींग भी इसके अंदर डाल देंगे। और ये देखिए हमने तड़का लगा दिया है, कितनी अच्छी देखने में लग रही है ये, बहुत ही अच्छी लाजवाब बनी है। एक बार बनाइए और देखिए फिर। अल्लाह हाफिज़।